हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थ पैरालिसिस का प्रोफॉर्मा देखा था, जिसमें हमने पेशेंट असेसमेंट किस तरीके से करना है और ट्रीटमेंट के समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, ये सब चीज़ें देखी थी उस वीडियो में। इस वीडियो में हम फेशियल नर्व स्टिमुलेशन का प्रोफॉर्मा देखेंगे कि किस तरीके से हमें पेशेंट असेसमेंट करना है और किस तरीके से ट्रीटमेंट के समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट रिसीविंग द पेशेंट, हमें बोलना गुड मॉर्निंग, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई एम गोइंग टू ट्रीट यू, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड वेट अंटिल आई गो थ्रू योर केस शीट। देन हिस्ट्री टेकिंग और गोइंग थ्रू द केस शीट, हमें नेम, फादर्स एंड मदर्स नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ये सब हमें चेक करना है और लेना है। हिस्ट्री टेकिंग में पूछना है पेशेंट से। देन चीफ कंप्लेंट्स में हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस ट्रीटमेंट, ये सब हमें पूछना है और चेक करना है। देन एग्जामिनेशन टू द एग्जामिनर, साइड राइट और लेफ्ट चेक करना है। देन साइट लोकेशन चेक करना है। देन हमें जनरल एंड लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करना है, उसमें फीवर, हाइपरटेंशन, जनरल कंडीशन ऑफ द बॉडी, ओपन वोन, हाइपर सेंसिटिव स्किन, मेटल इन द टिश्यू और इन सराउंडिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन, ये सब चेक करना है। कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस को चेक कर लेना है, क्योंकि ये सब कंडीशंस में हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते पेशेंट को। देन नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, हमें एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से नर्व्स हैं, जो कौन कौन से नर्व्स कौन से मसल्स को सप्लाई करते हैं। देन यहाँ पे कंडीशन है बेल्स पाल्सी, दिस इज़ द लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन ऑफ द फेशियल नर्व एंड रिजल्टेंट पैरालिसिस ऑफ द मसल्स दैट इट सप्लाइज। बेल्स पाल्सी के कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअली बेल्स पाल्सी क्यों होता है, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन में लेजन होने के कारण जो हमारा फेशियल नर्व है वो पैरालाइज हो जाता है, जिसके वजह से जो फेशियल नर्व जिन जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो भी पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वो मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। आप लोगों ने फिजियोलॉजी में UMN एंड LMN पढ़ा होगा, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। सो यहाँ पे जो हमारा बेल्स पाल्सी में क्या होता है, इस कंडीशन में जो फेशियल नर्व है उसका लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन होने के वजह से जो जिन जिन मसल्स को फेशियल नर्व सप्लाई करती है वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, इसी कंडीशन को बेल्स पाल्सी कहा जाता है। देन उस कोर्स ऑफ नर्व दिया गया है, फेशियल नर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस, इट इज़ सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ टेगमेंटम ऑफ पॉन्स, राउंड्स 6 न्यूक्लियस अलॉन्ग्स इट कोर्स, एक्सपांस टू फॉर्म जेनिकुलेट गैंग्लियन, इट गिव्स अ ब्रांच टू स्टेपिडस मसल्स, जो हमारा स्टेपिडस मसल है वहाँ, देन अ ब्रांच सप्लाइंग एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, emerging from stylomastoid foramen, it enters the parotid gland and divides into temporal, zygomatic, mandibular, buccal, then cervical branches. हमारा जो facial nerve है वो 5 regions में divided, temporal, zygomatic, mandibular, buccal and cervical branches. देन यहाँ पे मसल्स सप्लाइड दिया गया है कि फेशियल नर्व कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला, कॉरुगेटर एंड प्रोसीरस, जैगोमेटिकस मेजर एंड माइनर, लिवेटर एंगुला ओरिस, लिवेटर लेबाय सुपीरियोरिस, लिवेटर लेबी सुपीरियोरिस, बक्सिनेटर, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, राइजोरियस, मेंटलिस, डिप्रेसर एंगुला ओरिस, डिप्रेसर लेबियो इन्फीरियोरिस, ये सब मसल्स को फेशियल नर्व सप्लाई करती हैं। देन कॉजेज दिए गए हैं बेल्स पाल्सी के, इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज, एक्सपोजर टू चिल वेदर, फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, फ्रैक्चर ऑफ मैस्टॉइड प्रोसेस,
डिसलोकेशन ऑफ टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट, मिडल ईयर इन्फेक्शन, अनेस्थेशिया ड्यूरिंग मिडल ईयर सर्जरी, ट्रॉमा टू जॉ, पैरोटिड रीजन, सेरिबेलोपोंटिन एंगल ट्यूमर्स, हेमरेज एट द साइट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द नर्व। ये सब कॉजेज है बेल्स पाल्सी के, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना कौन कौन से कॉजेज है बेल्स पाल्सी के, किन किन वजह से बेल्स पाल्सी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स दिया गया बेल्स फिनोमेना, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, देन रिसीविंग द पेशेंट, नोइंग डिटेल ऑफ कंडीशन, देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रे, प्रिपरेशन ऑफ अपैरेटस, देन प्रिपरेशन एंड पोजिशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का पोजिशन सुपाइन लाइंग पोजिशन विद द हेयर ड्यूली टाइड अप, ड्यूली टाइड अप एंड आइज क्लोज्ड, आस्क द पेशेंट टू वॉश हिज फेस बिफोर ट्रीटमेंट। सो पेशेंट का पोजिशन क्या होना चाहिए, सुपाइन लाइंग विद हेयरी ड्यूली टाइड अप, हेयर ड्यूली टाइड अप, आइज क्लोज्ड, एंड हमें पेशेंट को बोलना है कि ट्रीटमेंट से पहले फेस वॉश करने के लिए। देन हमें फिजियोथेरेपिस्ट का पोजीशन भी ध्यान में रखना है, कंफर्टेबल होना चाहिए, पेशेंट पोजीशन भी कंफर्टेबल होना चाहिए एंड फिजियोथेरेपिस्ट पोजीशन भी। देन फिजियोथेरेपिस्ट पोजीशन में क्या दिया है, स्ट्राइड एंड वॉक स्टैंडिंग पोजीशन एट द साइड ऑफ पेशेंट। देन हम चेक करेंगे फॉर लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस चेक करना चाहिए। सो कौन कौन से कंडीशंस में हम फेशियल नर्व स्टिमुलेशन नहीं दे सकते, एक्ने, टूथ क्लिप्स, आई इन्फेक्शंस, हेयरी सरफेस, माउथ अल्सर्स, मम्स, मिजल्स एक्सेट्रा, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। देन चेकिंग ऑफ अपैरेटस, अपैरेटस को चेक करना है, करेक्ट प्लेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहाँ होगा, ओवर द नेप ऑफ नेक, नेक के नेप रीजन में हो पर हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड मोटर पॉइंट्स पे प्लेस करेंगे। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, फील ऑफ करेंट, अगर उसे पेशेंट को कोई भी मतलब करेंट का सेंसेशन फील हो रहा है तो उसे इन्फॉर्म करना है, हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि अगर करेंट फील होता है तो वो हमें इमिडिएटली इन्फॉर्म करें। यहाँ पर फेशियल नर्व स्टिमुलेशन का डायग्राम दिया गया है, इमेज। इन्फॉर्म इफ एनी बर्निंग सेंसेशन, हमें पेशेंट को ये भी बोलना अगर बर्निंग सेंसेशन फील होता है तो वो भी हमें इन्फॉर्म करें, वार्निंग देना, डो नॉट टच एनीथिंग। देन ट्रीटमेंट के समय हमें प्रॉपर सही करंट चूज करना है, फॉर द मसल्स इंटररप्टेड गैल्वेनिक करंट, फॉर द नर्व ट्रंक सर्ज्ड पैराडिक। देन फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रेगुलेट करता रहेगा करेंट को। देन ट्रीटमेंट होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट होम प्रोग्राम सजेस्ट करेगा पेशेंट को। सो होम प्रोग्राम्स में क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं बेल्स पाल्सी के कंडीशन में, लुक सरप्राइज्ड एंड देन फ्रॉन, स्माइल, ग्रीन, से ओ, से ए, ई, आई, ओ, यू, स्क्वीज आईज क्लोज्ड, देन मेक वाइड अप और वाइड ओपन, आईज को स्क्वीज करना है क्लोज्ड, देन अपने आईज को ऐसे वाइड ओपन करना है, होल्ड स्ट्रॉ इन माउथ, सक एंड ब्लो, विसल। देन फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को एडवाइस भी देगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, अवॉइड इनटेक ऑफ कोल्ड सब्सटेंसेस, कवर अप द हेड एंड फेस विद अ स्कार्फ, हेड और फेस को स्कार्फ से कवर करना है, अवॉइड टेकिंग इन हॉट सब्सटेंसेस व्हेन देयर इज सेंसरी लॉस इन एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, अगर एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग में सेंसरी लॉस है तो हमें हॉट सब्सटेंसेस को
अवॉइड करना है, वो नहीं खाना पीना। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट बुक का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसके साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोथेरेपी के टेक्स्ट बुक के पीडीएफ भी दिया है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखना, वो भी बहुत यूज़फुल हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व स्टिमुलेशन, देन अर्थ्स पैरालिसिस, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस के प्रोफॉर्मा को बताया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।